हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जी के जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का इंग्लिश का सिलेबस बता रहे हैं, इसके बाद आप लोग को इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादातर इंग्लिश ही हमारा चलेगा। तो इंग्लिश का टॉपिक है आपको, हाँ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंग्लिश का सिलेबस इसको हो सके तो आप कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको लिखना है और इसी टॉपिक पे आपको पढ़ना। ज्यादा आलतू फालतू पढ़ने से कोई फायदा नहीं, फालतू चीज पढ़िएगा तो कोई फायदा होगा नहीं, बेकार हो जाए। क्योंकि जो एग्जाम में जिस टॉपिक से पूछा जाता है बिल्कुल उसी टॉपिक को पढ़िए तो ज्यादा बेहतर होगा। पहला आपका टॉपिक का नाम है चैप्टर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना, इसे हमेशा एक दो क्वेश्चन आते रहता है। उसके बाद है क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट से भी हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, इससे भी एक ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे भी एक क्वेश्चन, यानी अधिकतर मानिए कि आपसे एक क्वेश्चन ही रहेगा। कॉमन एरर, इससे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन टॉपिक ही आपका सिलेबस में है। प्रीपोजिशन और आइडम्स एंड फ्रेज, ये दो आपको बहुत जरूरी है, ये हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी हमेशा इससे दो तीन क्वेश्चन आते रहते हैं। स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग लिख देगा, निम्न में कौन सही है आपको देखना है, स्पेलिंग देगा, चार गो ऑप्शन है, कौन सही है, कौन सा स्पेलिंग, उसको लिखना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसे वन वर्ड एक शब्द सब्स्टिट्यूशन, यानी कह रहा है कि इससे हमेशा दो क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा नहीं दो क्वेश्चन रहता है। वॉइस, वॉइस तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वॉइस डिग्री पढ़े, नरेशन पढ़े, तो ग्रामर जो पढ़े वही चीज रहेगा वॉइस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपका रहेगा नरेशन, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डिग्री एक क्वेश्चन रहेगा। डिग्री हमेशा नहीं पूछा जाता, दो चार साल पर एक बार पूछा जाता है, लेकिन ये जो आपको बताया गया सिलेबस, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये हर साल इससे क्वेश्चन आती है और आपका सिलेबस यही है इंग्लिश का, इसको लिख लीजिएगा और इसी के मुताबिक आपको तैयारी करना है, इसी टॉपिक पर तैयारी करना, फालतू चीजें नहीं पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहना।